हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो S5F जो तुम्हारा पेपर है कंप्यूटर का IT, तो आपको इतने क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बाकी सब सब्जेक्ट्स का MP बना दिया हो, तो कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे मैसेज कर देना। जॉब पे 200 मैं सब सेंड कर दूंगा मैसेज में, ठीक है। अब सुनो, कंप्यूटर में 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। पेपर इतना हार्ड नहीं, पर क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, इसमें ये सब टॉपिक कवर करना पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट, रीड रैम और रोम, ओके, रिंग स्टार बस टोपोलॉजी, और जो फोर ब्राउजर, सर्फिंग इन वेब पेजेस, वेब ब्राउजर में कैसे कौन से वेब पेजेस के लिए ब्राउजर है, राइट, जैसे गूगल क्रोम है ना। तो ये तुम्हारा फर्स्ट मॉडल में इतना आंसर करना है। फिर ई कॉमर्स का जो तुमने 12th में पढ़ा था, थ्रेड्स का मतलब होता है कि आजकल क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, स्कैम बोल सकते हैं उसको। अभी तुमको ना, आपको क्या आएगा मालूम है, एक्सप्लेन द टर्म आएगा। टर्म मतलब होएगा, आपको चार टर्म्स आएंगे, आपको सबके ऊपर चार चार लाइन लिखना पड़ेगा। डेटा वायरस, डेटा बेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेबसाइट, WWW, B2C, C2C, B2B, वेब पेज, इंटरनेट, ये सब तुमको शॉर्ट्स में आएंगे। आपको चार लिखने रहेंगे, तो कुछ भी ऐसा आ सकता है। फिर ई कॉमर्स का एडवांटेजेस पढ़ लो, डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, ओके। फिर ईमेल पढ़ना है, वेब ब्राउजर पढ़ना है, तो ये ई कॉमर्स टॉपिक ज़्यादा ईजी है। फिर ये भी ईजी है। फिर एक जो बेकार टॉपिक है तुम्हारा, MS Word, MS Excel है, मेल मर्ज के ऊपर एक आंसर आएगा। ऑटो फिल एंड ऑटो कंप्लीट फीचर इन MS Excel कैसे होता है, EDI कंफर्म पोर्ट आएगा, राइट, और एक ERP रहेगा आएगा, तो ट्राई कर लेना। MS Excel के 8 फंक्शंस पढ़ना है, लेआउट पढ़ना है, और भी इसमें एक दो आंसर है, तुम लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, राइट। तो ये आंसर है जो तुम लोग को कंप्यूटर में इतना करना ही है, ओके। और बस इतना मिलेगा कि पेपर है, थोड़ा भरे हो गए तो अच्छे से पास हो जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।